नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जॉब लोड गुरु में। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि ऑनलाइन फॉर्म जो भरते हैं दोबारा राजस्थान पुलिस का, उसमें बहुत सारी दिक्कत आ रही है, उनके बारे में मैंने वीडियो बनाया। दोस्तों, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था हाउ टू फिल ऑनलाइन फॉर्म अगेन राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल 2018, और राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल जो फॉर्म कैसे भरना है वो वीडियो की लिंक क्या मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप देखकर फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं बता देता हूँ दोस्तों, कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आप दिन में फॉर्म ना भरें दिन में, क्योंकि सर्वर बिजी रहता है। आप सुबह और शाम को फॉर्म भरें ताकि सर्वर इतना बिजी नहीं रहता है और आपका पेमेंट या ऑनलाइन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा गया है कि राजस्थान पुलिस का जो पुराना था अपना ओल्ड एप्लीकेशन आईडी या ओल्ड एप्लीकेशन नंबर, वो भूल गए हैं या आपको याद नहीं है या आपको मिला नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके मैसेज में आया होगा, आपकी ईमेल आईडी में आया होगा। अगर आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया था और आपने प्रिंट निकलवा लिया था तो आपके एडमिट कार्ड में भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपने फॉर्म ई मित्र से अप्लाई कराया था, जो ई मित्र वाले ने आपको जो स्लिप दी है उसमें भी आपके पास एप्लीकेशन आईडी है। और अगर आपने खुद पेमेंट किया है तो आप बैंक स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं, शायद आपको मिल जाए वहाँ पर। और अगर फिर भी नहीं मिलती है आपको ओल्ड एप्लीकेशन आईडी, ओल्ड एप्लीकेशन नंबर, तो मैं आपको एक हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी दे रहा हूँ, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और जो दूसरा सवाल था, सर पहले जो पोस्ट या डिस्ट्रिक्ट लिए के लिए जो अप्लाई किया था हमने, क्या वो पुराने रजिस्ट्रेशन आईडी वाला वही रहेगा या फिर हम चेंज कर सकते हैं? आप चेंज कर सकते हैं और अपने जो फिलहाल जो करंट में आप चाहें डिस्ट्रिक्ट या करंट में जो आप चाहें वो पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपने पिछले वाले फॉर्म में चाहे कौन सी भी पोस्ट सेलेक्ट की हो। आप दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं तो आप दूसरा डिस्ट्रिक्ट या पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगला जो सवाल है, सर ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर एक्सेप्ट नहीं कर रहा मेरा, अब क्या करूँ? तो दोस्तों, अगर आपका ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर अगर एक्सेप्ट नहीं होता है, वेरीफाई नहीं होता है, तो आप जो मैसेज आपको दिया जाता है उस टाइम का स्क्रीनशॉट लें और मैं आपको वीडियो के अभी एंड में एक मेल आईडी दूंगा, उस पर आपको मेल करना है और उसमें एक मैसेज लिखना है कि मेरा है वो ऑनलाइन जो पुराने वाला फॉर्म था उसका नंबर है एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। और अगला जो सवाल था, ओल्ड यूज़र के लिए पेमेंट का ऑप्शन क्यों आ रहा है? तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ओल्ड एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद भी पे फी का ऑप्शन क्यों आ रहा है। तो अगर आप ओल्ड एप्लीकेशन आईडी लगाकर फॉर्म भरते हैं तो आपका 20 रुपये का पेमेंट करना होगा, इसलिए आपका जो पेमेंट है पे फी का ऑप्शन आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आप 20 रुपये का पेमेंट कीजिए, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और अगला जो सवाल था, मैं अपना एप्लीकेशन आईडी भूल गया हूँ, मेरे पास नहीं है तो क्या करूँ? दोस्तों, अगर छानबीन या फिर आपके जो ओल्ड एप्लीकेशन आईडी है वो खोजने में सभी जगह से पता करने के बाद में आपको फिर भी अगर ना मिलता हो आपका एप्लीकेशन आईडी, तो आपको नए सिरे से ही फॉर्म को स्टार्ट करना होगा और ओल्ड एप्लीकेशन जो आईडी का जो एक नंबर का है जो ऑप्शन, उसमें आपको नो सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपका जो पेमेंट फीस है फॉर्म फीस वो आपको देनी होगी, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा उनका। दोस्तों, अगर आपका जो ओल्ड एप्लीकेशन नंबर है वो फिल करने के बाद में भी, वेरीफाई एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करने के बाद में अगर आपका वेरीफाई नहीं होता है, तो आप स्क्रीनशॉट लें उस टाइम का और एक मेल आईडी मैं आपको दे रहा हूँ, उस पर आपको मेल करना है। कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहा हूँ, आप बात भी कर सकते हैं। दोस्तों, होना तो ये चाहिए ऑनलाइन फॉर्म में कि ओल्ड एप्लीकेशन आईडी के सामने एक और कॉलम होना चाहिए जिसमें आपका या जो फॉर्म भरने वाले का नाम, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में जो पुराने जो एप्लीकेशन नंबर थे वो शो हो जाने चाहिए, उसी टाइम वेरीफाई हो जाने चाहिए।
फॉर्म को भरने वाले हैं उनको इतनी दिक्कत नहीं होती ओल्ड एप्लीकेशन आईडी को ढूंढने में तथा उन्हें खोजने में, और यहीं से वेरीफाई हो जाता। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन में, क्या आपको सभी जो क्वालिफिकेशन के हैं कॉलम है 1, 2, 3, 4 ये सभी फिल करना ज़रूरी है। दोस्तों जहाँ तक मेरा मानना है आपको सभी कॉलम भरने चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन अगर होता है, अगर बाद में दिक्कत हो तो अच्छी बात नहीं। अगर आप 8वीं का ना भरें तो भी शायद आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो आप अपनी पूरी डिटेल है वो फिल करें चारों कॉलम को। अगर आपके पास 12वीं का है तो 12वीं तक करें, अगर 10वीं का है तो 8वीं 10वीं दोनों का करें, और अगर 8वीं 10वीं 12वीं तीनों है तो तीनों का फिल करें। अगर आप 8वीं का फिल नहीं करते हैं तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। और अब हम बताते हैं अदर स्टेट के जो कैंडिडेट या फॉर्म भरने वाले भाई हैं, वो अगर फॉर्म भरते हैं तो उनके जो अधिवास विवरण है उसमें डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक या फिर अधिवास का जो विवरण है वो शो नहीं होता है, तो कृपया जो अपना प्रोफाइल SSO प्रोफाइल है वो अपडेट कर लें, शो हो जाएगा। और दोस्तों ये है वो कॉन्टैक्ट जिसे आप बात कर सकते हैं 02943057541, और ईमेल आईडी है recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in। आप इस पर स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर का आप इस पर मैसेज टाइप करके और अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। और दूसरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मोबाइल नंबर दिए हुए और ईमेल आईडी भी दिए हुए, इससे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। दोस्तों यह तो थी आज की हमारी जानकारी, आपके सवालों के जवाब। आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।